दोस्तों पाकिस्तान के क्वेटा में बाबर आजम और सरफराज अहमद की टीम के बीच पाकिस्तान सुपर लीग के एक एग्जीबिशन मैच को अचानक बीच में रोक दिया गया। ऐसा क्वेटा में हुए बम ब्लास्ट के बाद किया गया है। इससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा घोषित कर क्रिकेट से बर्खास्त कर देना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दें, यह धमाका शहर के मूसा चौक पर हुआ था। इसमें कई लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी और क्वेटा ग्लेडियर्स के बीच क्वेटा के स्टेडियम में चल रहे मैच को अतियानत 30 मिनट के लिए रोक दिया गया था। इसके अलावा स्टेडियम में लोगों के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर सुरक्षित ले जाया गया था। यह विस्फोट पुलिस लाइन क्षेत्र में हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP ने रविवार को एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। हालांकि बाद में हालात काबू हो जाने के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ। इस मैच में सरफराज अहमद की टीम पहले बैटिंग की और बाबर की टीम पेशावर जालमी को 185 रन का टारगेट दिया। क्वेटा की तरफ से इफ्तिकार अहमद ने 50 गेंद में नावा 94 रन ठोके। दोस्तों आए दिन पाकिस्तान में बम धमाके होते रहते, भूखे नंगों के देश में इसके सिवा और होगा भी क्या। इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान की सरकार है, अब उनके खाने के लाले हो गए हैं। और दोस्तों अभी अभी पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी से भी हटाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य कैसा होगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।